ahí. Time se ha de esto. Acha hai. Kaise ho? Badhiya. Badhiya. Are na. थोड़ा काम किया हार्मोन पे हाँ क्योंकि हमने जो सेकंड हाफ बोलते हैं वर्णन का उसकी भी माई यादव कौर भाई सब तो मैं थोड़ा बताना चाहूँगी कि सेकंड हाफ है वो शुरू होता है चरणम से चरणम यानी कि जो मुख्य पद है और उसका मुख्य भावार्थ है वो उसकी जो बात आती है वो चरणम में होती है और फिर उसके साथ में स्वर साहित्य चरणम चरण स्वर कोई स्वर साहित्य कहते हैं कोई चरणम स्वर साहित्य ऐसे कहते हैं अलग अलग नाम से पर कलाक्षेत्र स्कूल जो हम ज़्यादा करते हैं और हमारी ट्रेडिशन कलाक्षेत्र की है तो उसमें स्वर और साहित्य कहे जाते हैं सो चरणम चरण स्वर साहित्य कई कई चरण में खाली स्वर होते हैं साहित्य नहीं होता कई में खाली साहित्य होता है स्वर नहीं होता पर ये आनंद भैरवी वर्णम का जो चरणम है सखी इंद्रविड़े उसमें स्वर और साहित्य दोनों है और उसके बाद एक दो तीन चार जो स्वर और उसके हिसाब से साहित्य आते वर्णम की इसमें जो सेकंड हाफ है उसकी खासियत ये होती है कि जो स्वर है उसके आधारित उसी प्रकार से साहित्य बनता है प प म ग ग म तो पांगान मईले उस हिसाब से जो स्वर का ढाल है हाँ, उसी हिसाब से साहित्य का ढाल होता है स्वर साहित्य मैच हो जाते एकदम ये एकदम वर्णम में स्पेशल होता है ठीक है तो हमने मई आड़व किए हैं अब मई आड़व में तो आप करते जाओगे तो आप बजाते जाओगे ट्राई करो कैसे पहले हम लोग गा लें स्पेशल होता है आप करते जाओ हम बजा ले फिर आप दोनों साथ में बजाएंगे पा म ग री गा
लास्ट में तई तई दीदी तई कितनी बार आता है? दीदी तई 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 दीदी तई 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 दीदी तई चार बार आएगा ना? मी 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 सा सा मी सा सा दी सा मा 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 वहाँ से शुरू होगा आर्द्र पा मा गा गा मा क्योंकि आधे आवर्तन से शुरू होता है। दीदी तई 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 तई दीदी तई 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 दीदी तई 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 दीदी तई 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 चार बार 1 2 3 4 1 2 3 4 ठीक है फिर से एक बार कर लेंगे 2 3 4 पा पा म ग ग म पा म बॉडी एकदम बैंड करके आदि आवर्तन से होगा ठीक से नहीं लिखा। बड़ो पढ़ो क्या लिखा है? तई तई दिद तई 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 दिद तई तो खाली मूवमेंट बिगड़ चेंज होगा बट अदर देन दैट एवरीथिंग इज सेम सो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और दित दित तई एंड स्वस्तिका एट द बैक और फिर वो दुगुन में ठीक। अच्छा आप पहली कोरवाई आप करते जाओ हम बजाएंगे आपको ताल में बोलना भी लिखा है ना सब? हाँ उस टाइम जब हमने सिखाया तब ताल में सब लिखा है तो आप
आठवीं ताल में बोलने का प्रयत्न करेंगे। हाँ करते जाइए खाली हाथ से तो देते हैं। सिंपल है, बहुत सिंपल है। चतुष्ट जाति में चतुष्ट जाति नहीं चलता है, कुछ बहुत प्रॉब्लम है नहीं। अच्छा हम ताल देते हैं, आप आड़ो बोलते जाओ करते करते, ठीक है? आप बोलते जाओ हम ताल देते हैं। वन बीच में ही रहेगा, कोई हरकत नहीं आएगा। टू आप करते जाओ हम ताल देते हैं। वन टू थ्री फोर तय युम तय युम तय तय ही तय युम तय तय ही तत् भिन्ना तैः तं गड़त तत् भिन्ना तैः तैया तैः तैया तैः तत्तयुं धत्ता तैभुत्तयुं धत्तैः तैया तैः तत्तयुं धत्ता तैभुत्तयुं धत्तैः पूरा रह गया, तिश्य गति पूरा रह गया। हाँ हमें भी नहीं ख्याल आया। हाँ फिर से करो, फिर से पहले से, क्योंकि ये पूरा ताल बदल जाएगा। टू थ्री फोर तय युम तत् तय युम तय तय ही तय युम तत् तय युम तय तय ही तयुम धत्ता तय फिर तयुम धत्तय ही तयुम धत्ता तय फिर तयुम धत्तय ही तय या तय ही तत्तयुं धत्ता तै धित्तयुं धत्तैः तैया तैः तत्तयुं धत्ता तै धित्तयुं धत्तैः।
तै हत तै ही तै हत तै ही हत तै ही तै हत तै ही ता की ता 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 तै युम ता ता तै 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 युम ता 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 तै 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 ताहा तै ताहा तै 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 ताहा तै ताहा तै 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 तक कृतक दरदों तक कृतक दरदों ठीक है तो ताल में ठीक से कोरवाइए तक की तै ता तै ता तै तै ता फिर से करिए अब करना है ना पूरा हाँ पूरा पहले से सा ग र ग म ग म प प म प ग म प म म ग रि प म ग ग रि सा नि सा स नि सा ग र ग म ग म पकहाँ खत्म होता है वो ख्याल रहना है एक तो बीच में से उठाना है नहीं तो हर एक वक्त पहले से शुरू करना पड़ेगा तो ट्राई करिए 1 2 3 4 चार टाइम हो गया हिसाब मैथमेटिक्स और डांस
वो बहुत साथ में चलता है. साथ में मीन्स इफ यू आर स्ट्रांग इन मैथमेटिक्स, यू आर स्ट्रांग इन डांस, यू कैन डू डांस वेल. ऐसे नहीं है कि मैथमेटिशियन बनना है, पर जो हमारे हर एक में इंट्यूटिव सेंस होती है डांस की, वो होनी है. और क्योंकि इसलिए कहा जाता है ना, जब आपको मैथमेटिक्स आता है तो उसके साथ में लॉजिक चलता है. हम कहते हैं ना कि कलाकार तो इलॉजिकल होते हैं. नहीं, वो कौन सी चीज में इलॉजिकल होते हैं? शायद दुनियावी चीज़ों के लिए इलॉजिक होते, मगर अपनी कला में वो पूरे लॉजिकल होते हैं. क्योंकि एक के बाद एक कौन सा आडव बिठाना, उसका कैसा प्रोग्रेशन, आप देखिए टटडव तो फ्लैट, फिर उसके बाद नटडव, हाँ, तो जो तट नट कुट, जो तीन पाँव है, जो तीन प्रकार है पाँव उठाने के रखने के, उसे पूरा आडव का सेट होता है, पूरा आडव उन्हीं पे आधार है. तो फिर ये एक, फिर ये दो, फिर ये एक और दो, एक और नहीं तीन और एक, ये तीन कॉम्बिनेशन में, फिर एक दो तीन, वो तत्तई ताम में किया तो ये एक को बढ़ा के आगे किया, फिर तत्तई ता हा, तो उसमें तत्तई ता एन हा, तो इसी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से एक के बाद एक के बाद एक ऊपर ऐड करते गए, और पाम ये ही रहे तीन, हस्त सब बदलते गए, तो ये लॉजिकल पूरा बना है. जैसे कि मार्गम, तो मार्गम का भी बिल्डिंग है ना, कि जैसे बाला सरस्वती जी ने कहा है, तो हम लोग अलारीपू करते हैं, तो एक मंदिर उन्होंने इसका मंदिर से वो किया है, कि आप जैसे मंदिर में जाते हो, तो मंदिर में जाने का आपका रीज़न यही होता है कि आप भगवान से भक्ति करें, और कभी कहाँ कुछ समय उनका साक्षात्कार हो जाए, बस वही एक प्रयत्न रहता है. तो उसी हिसाब से जैसे मार्गम में अलारीपू जतीश्वरम, तो अलारीपू में खाली थोड़ा नृत्य है जिसमें जो कहते हैं खिलना है वो है, फिर उसके साथ जति और स्वर का समन्वय आता है, फिर थोड़ा थोड़ा अभिनय शब्दम में शुरू हो जाता है, फिर लंबा सा वर्णन, तो तब तक आपकी शक्ति भी थोड़ी हो गई होती है व्यवस्थित, और मन और शरीर दोनों से, और फिर जो देखने वाले हैं उनको भी पूरा यहाँ वहाँ कुछ सब भूल के अब नृत्य के माहौल में आ जाते हैं, और फिर जब वर्णम होता है तो 40-50 मिनट एक घंटा तब जो चलेगा, तो उसमें शारीरिक शक्ति मानसिक शक्ति वो सब का समन्वय हो जाता है, और वो सब को अभिनय से दिखाना, नृत्य नृत्य दोनों, उसका पूरा हमको खुद आनंद लेना और वो आनंद देना सबको. तो उस हिसाब से फिर वर्ण पदम अष्टपदी जावली वो सब आते हैं, तो एक एक पूरा खिल गया है, तो अब उसको तैरना है जैसे कि पानी पे, तो पदम अष्टपदी जावली सब होते हैं, और उसके बाद एक एग्जूबरेंस में कीर्तनम, और फिर उसके बाद तिलाना होता है. तो ऐसे ऐसे हम क्या बात कर रहे हैं, वो लॉजिक की है कि मैथमेटिक्स और नृत्य वो एकदम ये है. अब आप काउंट करो आपकी, जो जैसे हमने कहा कि तिश्र गति हुई वहाँ, तो कैसे काउंट किया तिश्र, जो ठीक से बोलो, एक दो तीन, एक ताल देके 1 2 3 4 की तक 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 तै युं तत् तत् तै तै तत् तै तै तत्. तो समझ में आया कि ये माइक्रो लेवल पे, और दिदितै 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 तैतै दिदितै तैतै दिदितै तैतै दिदितै, तो दिदितै दिदितै कितने हुए, दिदितै दिदितै
दो दो छे छे दिदिताई दिदिताई तई तई दिदिताई छे ये भी छे ये भी छे मगर ये तीन और तीन छे और तई तई दिदिताई दो और चार छे तो ये भी तो मैथमेटिक्स है तीन और तीन छ दो और चार छ एक और पाँच छ तो हम तो ऐसे बिठा देते तई तई दीदी तई तई मैथमेटिक्स है वो काउंट नहीं मीन्स ऐसे सोचते नहीं पर हकीकत में ये पूरा मैथमेटिकल प्रोसेस है और तभी नृत्य को हर एक कला का हर एक चीज़ की हर एक कला का मदर ऑफ ऑल आर्ट्स ऐसे कहा जाता है क्योंकि इसमें हर एक चीज़ आ जाती है तो अब आप मैथमेटिक्स के हिसाब से जैसे अलारिपु करते हैं सो तकिट तक धीमी तक धीमी अब उसका कोई भी आप कॉम्बिनेशन करो तकिट तक धीमी तो तकिट और तक धीमी फिर साढ़े तीन करना है तो तकिट तक धीमी क्योंकि साढ़े तीन बोलोगे कैसे साढ़े तीन बोलने की एक ही डब है कि तीन और आधा और तीन और आधा में तकिट तक धीमी तो उसको तकिट तक धीमी उसका जो दो डिवाइड करना है तकिट तक धीमी उसको आप दूसरी कोई डब से नहीं साढ़े तीन बोलने का कोई पर और उसी को आपको अंग से निकालना है तकिट तक धीमी आधा आधा वो तकिट तक धीमी वो तीन और चार वो तो उस हिसाब से पूरा मैथमेटिक्स चलता है अब सखिए में तक धीमी तक सखी तो तकिट सखिए तीन और तीन कहे तो फिर दो बचे वो चार और दो करने से वो उठान ये भी नहीं तो सखिए इन वैसे सम से लेके सम से खत्म भी कर सकते हैं पर ये थोड़ा मैथमेटिक चमत्कार आ गया तो नृत्य में पूरा चमत्कार आ जाता है समझ में आया आपको तो आप कहो कि इसको लॉजिकल कहा जाए कि नहीं कहा जाएगा 100% तो ऐसे क्यों लोग कहते हैं कि भाई कलाकार तो धुनी होता है लोगों को पता ही नहीं होता ना कि ये इसमें मैथ किस हिसाब से होता है नॉर्मल पीपल को वो काउंट वन नहीं बोलो नहीं तो ठीक है अब आप कोई सर्जन है जो सर्जरी करता है अब उसमें क्या होता है वो तो हम वो नहीं जानते हम कहाँ जानते कुछ नहीं जानते मगर हम सर्जन लोगों को बड़ा भाव देते हैं वाह ये तो सर्जन है कोई माँ बाप कहेंगे हमारे बच्चों को तो सर्जन बनाना है तो वो डांसर बनाना है नहीं कहते क्यों नहीं कहते ठीक है आप सोच के आइए आप एक बार बजा लीजिए पहले गाने के साथ बजाइए हम नहीं कहेंगे हम खाली ताल देंगे नी सा सा नी सा ग नी गा मा गा मा पा स्वर जी पहले गाना पक्का होना है देखिए अभी इसमें आप पहले प प म ग ग म आ आ प म म ग रे ग अ अ म ग ग रे सा ये अ अ अ आ आ आ ले लीजिए फिर बाद में उसको निकाल दीजिए जब टाइट हो जाए प प प
Gama, gama, pa, pa, ma, ma.
दो मैयाडव आपके यहाँ खत्म होते हैं। उसके बाद में आएगी तीसरी गुरवाई और फिर पेरियाडव। तो आप इतना तक ठीक से कर लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। ताल में सब समझ में आया? हाँ। ठीक है, बजाना चाहेंगे फिर से? फिर से दोनों? अच्छा पूरा बजा दीजिए, दो मई आडव और दो रो को रही, दो मई आडव दो को, दो को रही, एक मई आडव। चलो क्योंकि मई आडव सेम है तो उसमें मीन्स उसकी ताल सेम है। मई का मतलब क्या होता है? मई आडव क्यों कहते हैं? बॉडी बैंड पूरा, कमर से ऊपर का। अच्छा नीचे का नहीं? नहीं नीचे का भी, शरीर को झुका के करने का। खाली झुका के? कमर से झुका के। कब? नहीं कहाँ से? ऊपर से नहीं, पांव से लंबा करेंगे तो नहीं चलेगा। नहीं कमर से। बॉडी मींस कि पूरा टॉर्सो है ना, ऊपर से लेके नीचे तक, उसको तरह तरह से बैंड करके। खाली कमर से होगा मगर उसको कहा जाता है पूरे शरीर को बैंड जो करते। मई इज शरीर, तो मई को जो मूवमेंट देता है हर एक आडव में, वैसे मई की तो मूवमेंट होती है मगर इसमें हाइलाइटेड, तो उस हिसाब से। हाँ करिए बजाइए। टू पा पा मा गा गा मा पा मा मा। उसके आगे में अष्टमी है, अष्टमी तो सिखाया है ना। हाँ तो वो थर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड स्पीड में आती है ना। नी सा सा नी सा ग नी गा मा गा मा पा पा मा मा गा गा मा पा मा मा गा री गा मा गा गा री सा नी सा सा नी सा ग नी गा मा गा मा पा पा मा गा गा मा पा मा मा गा री Bye.
ठीक से दौड़ना है आपको, ताल, छाती सब रखना है।